अकाउंट क्या होता है और कैसे ऑपरेट करता है? स्लाइड दिख रहा है? या हमने अभी तक जाना है, सुना है बैंक अकाउंट के बारे में, राइट? सब उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो सबको पता है कि बैंक अकाउंट क्या है। तो बैंक अकाउंट किसके नाम पे है? बैंक अकाउंट होता है अपने शरीर के नाम पे, अपने नाम पे नहीं। विनोद लाहौटी के नाम पे बैंक अकाउंट है, मेरे नाम पे नहीं है, राइट? और वो बैंक अकाउंट रहेगा विनोद लाहौटी के नाम पे जब तक मैं विनोद लाहौटी के अंदर हूं। जिस दिन मैं विनोद लाहौटी को छोड़ के जाऊंगा, वो बैंक अकाउंट विनोद लाहौटी के नाम पे भी नहीं रहेगा, किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये मेरा हुआ ही नहीं। तो चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे धन, जितना भी हमने पूरा जिस तरह से जिंदगी में पूरा मेहनत करके सब करके संग्रह किया हो, वो सारा में कोई भी चीज मेरे नाम पे कुछ नहीं है जो कि मेरे साथ चलेगा, राइट? ये सब यहीं कहीं रह जाएगा, वो विनोद लाहौटी के नाम पे है। और जब तक मैं विनोद लाहौटी के अंदर हूँ, वो विनोद लाहौटी का भी रहेगा। जिस दिन मैं विनोद लाहौटी को छोड़ दूंगा, वो विनोद लाहौटी का भी नहीं रहेगा, किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरा कुछ भी नहीं है, राइट? तो मेरे साथ क्या है? मेरे साथ कर्म अकाउंट है जो कि मेरे साथ चलने वाला है। तो भगवान इतने दयालु है और उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोसेस सेट करके रखा है कि वो तो अपना पिता है, वो तो चाहता है कि अपना हर बच्चा खुश रहे, हर बच्चा सुखी रहे, हर बच्चा बहुत अच्छी जिंदगी जिए। वो तो हमेशा कोई भी बाप वही चाहता है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे साथ एक कर्म अकाउंट दिया है और बोला कि बच्चा तुझे जो लिखना है लिख, तेरा भविष्य तेरे हाथ में है, तुझे कैसी जिंदगी चाहिए, कैसा शरीर चाहिए, कैसा भविष्य चाहिए, कैसा परिवार चाहिए, हर चीज अपने हाथ में दिया। कितना करुणामयी है, कितना दयालु है भगवान। उन्होंने हर चीज हमारे हाथ में दिया। तू जो करेगा वो मिलेगा, तू अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा, जैसा करना है कर, तुझे आगे वैसा मिलने वाला। तो अपना भविष्य लिखने का पूरा हक हमको ही दिया है, कोई और लिख ही नहीं सकता है, क्योंकि सिस्टम प्रोसेस ही ऐसे बनाया है। तो मैं सबके साथ जैसा बिहेव करूंगा मेरे साथ वैसा होगा, मैं सबके साथ कैसा व्यवहार करूंगा मेरे साथ वैसा होगा। तो हमको कैसा अपना कर्म अकाउंट लिखना है ये हमको सोचना है, कि हर चीज हम जो बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, वो एक कर्म के बीज की तरह है, वो अकाउंट में एंट्री हो जाएगा, फ्यूचर में वही हमको रिटर्न मिलेगा। तो हमको क्या करना है, वही करना है जो हमको चाहिए आगे इस जन्म में, अगले जन्म में। जैसा फ्यूचर हमको चाहिए, जैसा भविष्य हमको चाहिए, वही हमारे कर्म खाते में एंट्री होना चाहिए। इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हमारी हर सोच के साथ टक 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 एंट्री होती जाती है उसके अंदर, और उसी के हिसाब से आगे हर चीज हमारे भविष्य में मिलता है। तो हम जानेंगे एक कर्म खाता और बैंक खाता में क्या डिफरेंस है। जैसे बैंक खाता है वो शरीर के नाम पे है, कर्म खाता जो है हमारी आत्मा के नाम पे है। बैंक खाता में एंट्री होता है सिर्फ मनी रिलेटेड ट्रांसैक्शंस का, एंड कर्म खाता में सभी चीज एंट्री होता है, चाहे मनी, वेल्थ, प्यार, ईगो, हमारे भावनाएं, हमारी सोच, हमने किसी को मदद किया, किसी के साथ जो भी इफेक्ट किया, एवरीथिंग, अच्छा बुरा हर चीज कर्म खाता के अंदर एंट्री होता है। बैंक खाता जो है हमारे छोड़ने के बाद में हमारे लीगल एयर्स, हमारे जो भी वारिस है उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। कर्म खाता जो है हमारे साथ कंटिन्यू चलेगा अगले लाइफ के अंदर, उसमें जो भी हमने एंट्री किया वो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहेगा, उसका रिजल्ट हमको मिलता रहेगा। तो कर्म खाते के हिसाब से ही हमारा आज का जो जिंदगी है और भविष्य में हमको जो लाइफ मिलने वाली है वो उसी के हिसाब से होती है, चाहे वो हमारी भावनाएं हो, चाहे हमारा धन हो, सब अपने कर्म खाते के हिसाब से हमको मिला है और आगे भी मिलेगा। हमारे शरीर, हमारी सुंदरता, हमारे संबंध, काफी बार ऐसा लोगों को लगता है कि मेरी जिंदगी में उनकी वजह से ऐसा हुआ, मैंने ऐसे घर में पैदा हुआ इसीलिए मुझे ये नहीं मिला, वो मेरा दोस्त तो बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ इसलिए उनको मिला, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा नहीं करवा पाए इसलिए मैं ऐसा हूँ, वो लोग तो ऐसा कर पाए मेरे दोस्त के, उनको ऐसा है, मुझे ऐसी पत्नी मिली ना इसीलिए मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है ना इसीलिए ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, मेरी नणंद ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है,
मेरे मित्र ऐसे, मेरे पार्टनर्स ऐसे थे ना, इसीलिए मेरा सब खराब हो गया। हर चीज के पीछे सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। हर संबंध जो मिला है इस जिंदगी में, उसके पीछे मेरा खुद का अपना कर्म खाता है। वो लोग तो सिर्फ अपने कर्म खाते के हिसाब से अपना बैलेंस क्लियर करने के लिए अपने साथ जुड़े हैं। हर इंसान, हर रिलेशन जो हमको इस लाइफ में मिला है, उसके लिए अच्छा हो या बुरा हो, उसके लिए सिर्फ मैं और मेरा कर्म खाता ही जिम्मेदार है। हम किसी और को बोलते कि उसकी वजह से हुआ, तो कभी कोई किसी की वजह से नहीं होता है, वो सिर्फ अपने हिसाब से होता है। वो तो अगर कोई बुरा कोई कर रहा है हमारे साथ, तो वो तो हमारा कोई ना कोई कर्म क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़ा है। उसी तरह परिवार का हो गया, हमारा शरीर है, किसी को कुछ कमी हो सकती है, किसी के साथ कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। हर चीज के पीछे हमारा पुराना कर्म है, कोई ना कोई कर्म खाता में हमारा एंट्री है, उस एंट्री के हिसाब से हमको मिलता है। हमारी शिक्षा, किसी को अच्छी पढ़ाई मिलती है, किसी को नहीं मिल पाती है, कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है, उसके पीछे भी हमारा ही कर्म खाता है। हमारी सफलता, उसके पीछे हमारा कर्म खाता है। हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ, उसके पीछे भी हमारी कर्म खाता। हम सबने कोई ना कोई अच्छा कर्म किया होगा तो हम ऑसम 20 में जुड़े और डेली डॉक्टर साहब से कुछ ना कुछ टिप्स लेने को मिल रहा है, तो वो भी हमारा कोई ना कोई अच्छा कर्म खाते में बैलेंस है, इसीलिए हो रहा है। तो हमको हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमको ही लेनी चाहिए, और कोई की वजह से हमको कभी कोई बुरा नहीं होता है। इस चीज को समझना। तो अभी आज जो हमारे साथ हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम है, और भविष्य में जो हमको चाहिए ना, इस जन्म में अगले जन्म में, उसकी भी जिम्मेदार हम ही है। हम पीछे तो कुछ अंडू कर नहीं सकते, पीछे जाके कुछ बदल नहीं सकते, वैसा कुछ सिस्टम ही नहीं है, लेकिन आगे का तो हमारे हाथ में है। हम कभी किसी का बुरा न सोचे, बुरा न करे, अगर कोई अपाहिज है, कोई किसी में कमी है, उसका परिहास ना करे, उसका उसका दिल ना दुखाए। हमने किसी का दिल दुखाए, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को बाल नहीं है तो उसको गंजा बोल के चिढ़ाए, किसी की पैर नहीं है उसको लंगड़ा बोल के चिढ़ाए, कोई ट्रांसजेंडर है उसको किसी ने कुछ बोल के चिढ़ाया, कुछ बोला, अगर सामने वाले को दुख हुआ, मतलब हमने अपने अकाउंट में एक एंट्री कर लिया। कोई ना कोई जन्म में हमको भी वो सेम होना ही, लंगड़ा होना है या ट्रांसजेंडर होके पैदा होंगे या जो भी है। तो हम हर कोई इंसान जो दुनिया में है, भगवान का बना हुआ है, अपने अपने कर्म खाते के हिसाब से जिंदगी जी रहा है। तो हमको सबके लिए अच्छी भावना होनी चाहिए, सबके लिए अच्छा सोच होना चाहिए। अगर हम किसी को उस लाइफ में, अगर किसी के पास कोई तकलीफ है, अगर हम उनकी लाइफ को थोड़ा इजी करने में कोई मदद कर सके, तो वो करना चाहिए, ना कि उनको दुख करे। अगर हमारी वजह से किसी को दुख हुआ, हमारी सोच से किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी के बारे में नेगेटिव सोचा, तो हमने वैसा एक चीज हमारे अकाउंट में एंट्री कर लिया है, जिसका आगे हमको फल मिलना है। तो बहुत सोच समझ के सोचना है कि मैं क्या सोचूं या क्या ना सोचूं, क्योंकि हर चीज का प्रभाव हमारे ऊपर होने वाला है थ्रू कर्म अकाउंट। और जितने लोगों के साथ हमारी लाइफ में रिलेशंस है, संबंध है, हर एक के साथ हमारा सेटलमेंट होना मस्ट है, इस जन्म के, पुराने जन्म के, आगे के, मतलब जितने लोगों से हम मिले लाइफ में, और आज भी हम इतने लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बारे में सोचते हैं, सब लोग इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सबका देवी देवता वाला माइंडसेट है, इतना फीलिंग अच्छा होता है। तो जैसा मैंने सामने वाले के सोचा है बहुत अच्छे है, तो एक अकाउंट बन गया पॉजिटिव वाला। मैंने स्माइल दिया, सामने वाले को अच्छा लगा, तो एक उनको जो अच्छा लगा, वो एक मेरा पॉजिटिव एंट्री हो गया। उसी तरह मैंने बुरा सोचा किसी के बारे में, तो एक नेगेटिव एंट्री हो गया, उनके मेरे बीच में एक नेगेटिव कर्म हो गया। तो वो नेगेटिव बैलेंस कभी ना कभी सेटल होना ही है। तो हमने सोचा, बोला, किया, जो भी किया, कभी ना कभी किसी के साथ में, पूरे लाइफ में जितने लोग हमारी जिंदगी में आए, बचपन से लेके आज तक, हमारे परिवार में, हमारे मित्र में, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे घर पे काम करने वाले, जितने लोगों का हमने साथ में संबंध बना, उनके साथ एक कर्म अकाउंट बन गया हमारे दोनों के बीच में। और वो अकाउंट में जैसा बैलेंस हमने डाला है, कभी न कभी वैसा बैलेंस फिर क्लियर होना निश्चित है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी न कभी हमारी जिंदगी में आएगा, और फिर से वो अकाउंट सेटलमेंट होना मस्ट है। तो हमको ये सोचना बहुत जरूरी है कि कैसा बैलेंस मैं डालूं उसमें। तो ये हो गया हमारे बाकी सारे फीलिंग में। हम अभी समझते हैं कि मनी ट्रांसैक्शन, मतलब अब सबसे इंपॉर्टेंट है धन, कैसा धन हमको चाहिए, कर्म अकाउंट में कैसा धन का प्रभाव होता है, उसको हम समझते हैं। गुड मनी, बैड मनी,
जो धन हमारा अपने हक का है, हमारे अपनी मेहनत का है, हमारे अपने अकाउंट में हमारा हक का है, वो ही धन हमको लाना चाहिए, चाहे अपने पॉकेट में हो, चाहे अपने अकाउंट में, चाहे अपने घर में हो। किसी और का हक का पैसा हमने लाया है तो वो कभी ना कभी तकलीफ देगा। तो किसी भी तरह हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे हक का पैसा है तो ही मुझे लाना है। नहीं तो बहुत बार समझते कि चांस मिल गया, ला लिए। चांस कभी नहीं रहता, वो कभी ना कभी आएगा, तकलीफ देके वापस जाएगा। तो हमको कभी भी किसी और के हक का पैसा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ देता है वो। उसी तरह व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, आप सोचो वो उसका इफेक्ट होता है। अच्छा पैसा ही हमको काम आता है, बाकी नहीं काम आता है। लोग समझते हैं कि हमने जमा कर लिया इतना सारा, लेकिन वो कभी ना कभी एक दिन गलत जगह चले जाएगा। नोबडी कैन एंजॉय रॉन्ग मनी, बैड मनी कम्स विथ पेन एंड वन डे गोज बैक बाय गिविंग पेन। लोग समझते हैं कि मुझे चांस मिल गया, मैंने किसी का इतना पैसा, उसको क्या पता, मैंने तो कर लिया, ले लिया। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे पर्सनल रिलेशंस में हो, भाई भाई में हो, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हो। अरे हमारे मालिक को क्या पता मैंने काम किया नहीं किया, मैंने तो सैलरी ले लिया है लेकिन मैंने काम नहीं किया। 25 दिन का कमिटमेंट था लेकिन मैंने 20 दिन का ही काम किया। तो 5 दिन का जो डिफरेंस आया ना, वो पैसा कभी ना कभी हमको तकलीफ देगा, चले जाएगा। उसको एंजॉय अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बैड मनी अगर आया ना, तो हम जिस चीज में उस पैसे को लगाएंगे, समझिए हम खाने पीने में लगाए, तो हमारे शरीर में कोई ना कोई तकलीफ आएगा। हमने ऐसे पैसे से घर बनाया तो उस घर में कभी शांति नहीं रहेगी, उस घर में कभी ना कभी हमेशा ही अशांति रहेगी, तकलीफ रहेगी। हमने किसी व्यापार में लगाया, वो व्यापार में लगाया, साथ में मेहनत किया, 3-4 दिन, 3-4 साल उसको डेवलप करने में खूब किया, और 1 साल कभी ना कभी उसमें नुकसान होकर वो चले गया। मतलब हमारे साथ में मेहनत भी गई और हमारा पैसा भी गया, क्योंकि अच्छा गलत पैसा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। तो ये कभी भी आएगा तो साथ में तकलीफ देके निकल जाएगा। एक बार कभी हॉस्पिटल में जाएगा, कभी नुकसान में जाएगा, तो जाएगा ही जाएगा। जब जाना ही है तो ऐसा पैसा लाना ही क्यों? उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते तो ऐसा पैसा लाना ही क्यों? नहीं लाना चाहिए। तो चाहे वो करप्शन का पैसा हो, चाहे किसी को फ्रॉड करके किया हो पैसा हो, या किसी को गलत प्रोडक्ट बेच के कमाया पैसा हो, ये पैसा कभी भी अच्छे काम के लिए नहीं आता है और कभी फलता नहीं है। लेकिन हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि गलत काम करते हैं और अच्छी जिंदगी जीते हैं। पॉलिटिशियंस हो या जो भी हो, बड़े भी कोई बिजनेसमैन हो, ऐसा काम करता है और अच्छी जिंदगी जीता है। हमको दिखता है कि वो हमेशा धोखा देता है, लोगों को चीट करता है, फिर भी अच्छी जिंदगी जी रहा है। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि एज पर लॉ ऑफ कर्मा, अच्छा जो करेंगे उसका अच्छा फल मिलना निश्चित है, बुरा का बुरा मिलना निश्चित है। तो अगर आज ये लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने पहले कभी ना कभी कोई अच्छा कर्म किया, तो उसका वो अच्छा कर्म का आज वो एंजॉय कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। वो कब तक करेंगे? जब तक उनके अच्छे कर्मों का क्रेडिट बैलेंस उनके अकाउंट में रहेगा। जब तक उनका क्रेडिट बैलेंस अच्छा है तो अच्छा चलता रहेगा। जिस दिन वो बैलेंस खत्म हो गया और उनके अभी बुरे कर्म का चालू हो गया अकाउंट, तो एक दिन ठक बोल के गिर जाएंगे। तो हमने कितने लोगों को देखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा, पॉलिटिशियन को देखा, कोलैप्स हो जाते हैं, देश छोड़ के भाग जाते हैं। तो जिस दिन उनका अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस खत्म हो गया, उस दिन उनको उनके नेगेटिव बैलेंस का हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। कभी कभी हमको लगता है कि मैं तो सबका भला ही करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो कैसा है ये कर्म अकाउंट? एक यूट्यूब की तरह है, आपको दिख रहा है। इसमें इमेजिन करो कि हम गुड कर्मा इज ए ग्रीन लिक्विड एंड बैड कर्मा इज ए रेड लिक्विड। हम उस यूट्यूब में गुड कर्मा करके अच्छा 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 सा डालते जा रहे, तो उधर से बाहर बैड कर्मा भी निकलेगा ना। ये जो बैड कर्मा बाहर निकलेगा, उसका अनुभव हमको करना पड़ेगा। लेकिन हम निराश हुए बगैर अगर कंटिन्यूअसली अच्छा करते गए करते गए करते गए, हमारे इस यूट्यूब में बैड कर्म खत्म हो जाएगा एक बार, फिर हमेशा सिर्फ गुड ही गुड रहेगा, सिर्फ ग्रीन लिक्विड ही रहेगा, अच्छा ही अच्छा। तो आगे की जिंदगी पूरी, भविष्य हमारी अच्छी रहेगी। तो हमको अगर आज हमारे साथ कोई तकलीफ है, उसका बुरा नहीं सोचना है, बोलना है कि चलो मेरा पुराना कोई ना कोई अकाउंट क्लियर हो रहा, मैं तो सिर्फ ग्रीन लिक्विड ही भरना है मेरे यूट्यूब में, फिर से रेड थोड़ा डाल दूंगा तो बीच बीच में फिर ग्रीन निकलेगा, रेड निकलेगा, ग्रीन निकलेगा, रेड निकलेगा। हमको रेड डालना ही नहीं है, सिर्फ ग्रीन 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 करते हुए हमारी जिंदगी को, हमारे फ्यूचर को आगे का एकदम बढ़िया बनाना है, ताकि हमें आगे किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, हर क्षण हर पल खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा हमारी जिंदगी में अच्छा अनुभव करते रहे। यही सेम चीज
जैसे बैंक अकाउंट में लोन और एफडी का होता है, कर्म अकाउंट में भी एफडी और लोन का होता है सर। समझिए, मैंने आज किसी को धोखा दिया या किसी और के हक का पैसा लिया और समझता है अरे चांस मिल गया मुझे, मजा आ गया इतना पैसा, लेकिन जैसे मैंने बोला वो चांस नहीं है, दैट्स अ लोन, और वो लोन बट एक दिन इंटरेस्ट के साथ वापस जाना निश्चित है। हम उसके ऊपर वो पैसे को जहां लगाए वहां नुकसान होगा और चले जाएगा। उसी तरह हमारा पैसा भी अगर किसी ने लिया है गलत, तो वो भी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हमको पूरा प्रयास करना चाहिए हमारा पैसा लाने के लिए हर तरह से। अगर फिर भी नहीं आ पाया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो एफडी हो गया हमारा, वो कभी ना कभी एक दिन इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। और इंटरेस्ट कौन सा? यूनिवर्सल बैंक का इंटरेस्ट। अगर यही पैसा अगर हम यहाँ के मैनमेड बैंक में लगाते हैं कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6%, 8%, 10%, राइट? लेकिन यूनिवर्सल बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, वो हर बोला जाता है कि वो हर साल डबल होता है। तो हमारा किसी ने 1 लाख डुबाया, अगले साल 2 लाख होगा, 4 लाख होगा, 8 लाख होगा, 10-16 लाख होगा, मल्टीप्लाई होके कभी ना कभी हमको वापस आएगा। और अगर हमने किसी का लिया तो वो उसी तरह मल्टीप्लाई होके जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम किसी का हक का 1 रुपया भी हमारे अकाउंट में नहीं लाए। अगर हमारा किसी ने लिया, चिंता करने की जरूरत नहीं, आज नहीं कल हमको एफडी के रूप में आएगा। अगर इस जन्म में नहीं आया तो अगले जन्म में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी मैनमेड बैंक में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपन, तो कोई बैंक भी हमको गारंटी नहीं देता कि आप मेरे पास लगाओ 50 लाख रुपए, मैं आपको अगले जन्म में भी लाके दूंगा, कोई नहीं देता। लेकिन थैंक्स टू दिस यूनिवर्सल बैंक एंड थैंक्स टू द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर आवर एफडी इन यूनिवर्सल बैंक, कि उनके वजह से हमारा इस जन्म का भी भविष्य सक्सेस हो गया और फ्यूचर का अगला जन्म में भी हमको एफडी के रूप में रिटर्न होके आता रहेगा। तो कभी कोई निराश होने की जरूरत नहीं, हमारा फोकस होना चाहिए कि सिर्फ मैं अपना कर्म खाता अच्छा रखूं, उसमें नेगेटिव बैलेंस नहीं लाऊं। तो आज यहीं पे हम इसको क्लोज करते हैं, और इसका नेक्स्ट लेवल जब भी मौका मिलेगा मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। 1 मिनट के लिए चाहे तो कम क्वेश्चन आंसर या कुछ पूछ सकते हैं, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। नीलेश जी थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।